नमस्कार। कोरोना काल का समाप्त होने के साथ साथ हम लोग आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हम लोग ये सुविधा आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आप घर में बैठ के भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं अपना मोबाइल फोन के जरिए। ये जो ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये ज़्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं है, छोटा छोटा पार्ट है, 15-20 मिनट का सेशन है जो आप जब आपका मन चाहे, जब आपको फुर्सत मिले आप इसको अटेंड कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इससे आप लोग भी सीख पाएंगे, अपना निजी समय पे सीख पाओगे और इससे आपका फ़ायदा और कंपनी का भी, दोनों का ही फायदा होने वाला है। आइए क्यों ना हम लोग हमारा जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपना सीखने का आग्रह को हम लोग और भी बढ़ाएं और उससे अपना भी बेनिफिट हो, कंपनी का भी बेनिफिट हो। इससे सबका भलाई है, आपका भी भलाई, कंपनी का भी भलाई और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हमको समझना है ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड के बारे में जिसको हम गॉट्स भी बोलते हैं। अभी ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्यों ज़रूरी है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं ये हमको पहले समझना है। पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्यों ज़रूरी है। अगर हम हमारे दादाजी या परदादाजी के बारे में याद करेंगे तो उनका जो एज है वो एज होगा अराउंड 100+ या 90+ के करीब, और 90+ होने के बावजूद भी उनका हेल्थ बहुत अच्छा था, बहुत हट्टे खट्टे थे वो लोग। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखेंगे कि जैसे 55-60 हो गया तो एक टाइप का बुढ़ापा आ गया हम बोल सकते हैं, या एवन आज का जनरेशन में अगर हम देखेंगे तो एवन 30-35 एज अगर हो गया है तो उसके बाल सफ़ेद होना या कुछ बीमारी आना चालू हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ये जो दो जनरेशन में इतना चेंजेस कैसे हो गया? तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो मेजर इफेक्ट है वो है अपना जो खान पान है उसके बारे में है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 1960 में हरित क्रांति आया था, तो हरित क्रांति के पहले जब लोग खेती करते थे उस टाइम पे कोई भी रासायनिक केमिकल या जो संकरित अनाज है इसका उपज नहीं किया जाता था। तो इसके लिए उस टाइम का जो फूड था वो बहुत हेल्दी था, इसके लिए उस टाइम के जो लोग हैं वो भी अराउंड 100+ हम बोल सकते हैं कि आराम से वो लोग जीते थे, और एवन 90+ में भी उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत हट्टा कट्टा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे हरित क्रांति आ गया 1990 के बाद में, अगेन केमिकल फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा खेतों में होने लगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये जो केमिकल्स है यह इसको हम डायरेक्ट जहर बोल सकते हैं। तो ये धीरे 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 जैसे हम अपना खाने में उसको इन्वॉल्व करने लग गए, वैसे धीरे 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 क्या हो गया कि इंसान का सेहत चेंज होते गया, ये बहुत धीरे धीरे चेंजेस होते गया। चलिए थोड़ा रासायनिक केमिकल का यूज़ और कीटनाशकों का यूज़ के वजह से कितना असर अपना सेहत के ऊपर हो रहा है इसके बारे में एक थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब के झज्जल गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक
के 70 तक इतने खेती जड़ी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए, केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी, इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है, इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं तो एक साधारण किसान हूं। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15-18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है, मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है। यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और भेज दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपका लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हरेक दुनिया से कैंसर ही कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। और अभी जाके सबको पता चलने लग गया कि ये इसके वजह से जो है अपना फिजिकल के ऊपर या अपना बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके लिए अभी हम वापस पुराने ज़माने में जा रहे हैं, जहाँ जब कोई भी केमिकल का यूज़ खेती के लिए नहीं किया जाता था। तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं सेम ऐसे ही है कि खेती से लेके, अगर हम टेक्सटाइल के बारे में अगर बात करेंगे तो कॉटन से लेके फ्लैक्स तक जो भी खेती से प्रोडक्ट बनेगा उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं होगा।
और ऐसे प्रोडक्ट्स फाइनल कपड़ा बनने तक हम उसका ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे भी वो किसी भी प्रकार के केमिकल के संपर्क में नहीं आता है, जिसके वजह से फाइनल जब हम प्रोडक्ट उसको यूज करते हैं तो शरीर में रैशेज आना या इंचिंग होना या कुछ अलग टाइप के स्किन्स के प्रॉब्लम्स होना ये नहीं होते हैं। इसके लिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वो स्पेशली ये सब केयर करते हैं कि हम किसी भी केमिकल का सहारा लिए बिना ज़ीरो से, मतलब पूरा इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक हम जो भी प्रोडक्ट्स है वो बनाते हैं और उसी को एक ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड के अंदर हम उसको सब मेंटेन करते हैं। इसी को हम ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड बोलते हैं। अभी ये इसमें और क्या क्या होता है वो भी देखेंगे हम। प्रस्तुत है ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ये पीटर और मे हैं। ये वो विचारशील लोग हैं जो जैविक भोजन खरीदते हैं और काम पर जाने के लिए साइकिल चलाते हैं कार लेने के बजाय। लेकिन वो ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि उनके कपड़े प्रकृति के अनुकूल विधि से बने हैं। वे कुछ भेड़ पाल सकते हैं और खुद कपड़े बुन सकते हैं या नग्न भी जा सकते हैं। लेकिन ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड या गॉट्स यथार्थवादी समाधान है। गॉट्स को ऑर्गेनिक या जैविक फाइबर से बने कपड़ों और टेक्सटाइल के प्रकृति अनुकूल प्रसंस्करण के लिए सोने के मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जैसे जैविक कपास या जैविक ऊन। गॉट्स प्रमाणित उत्पाद में कम से कम 70% जैविक रूप से तैयार तंतुओं का उपयोग होना चाहिए, जबकि सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केवल जैविक रेशे का उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं है। वस्तुओं को वास्तव में प्रकृति के अनुकूल बनाने के लिए गॉट्स के पास पूरी प्रसंस्करण श्रृंखला के लिए सख्त मानक हैं। गॉट्स में सख्त मापदंड की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है और पीटर और मे आश्वस्त हो सकते हैं कि ना तो उन्हें और ना ही श्रमिकों या पर्यावरण को कोई नुकसान होगा। गॉट्स आमतौर पर विभिन्न प्रकार के रसायनों को कपड़ा प्रसंस्करण में उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है, जो कि कैंसर, जन्मजात विकार और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। केवल कम प्रभाव वाले रसायनों की उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनुमति है। गॉट्स में कड़े प्रतिबंध भी खराब जल उपचार पर शामिल किए जाते हैं और नियोजित लक्ष्यों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता पानी और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए होती है। साथ ही सामाजिक मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख मानदंडों के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। इनमें शामिल हैं सुरक्षित काम करने की स्थिति, कोई भेदभाव नहीं और कोई बाल श्रम नहीं। यहाँ सिर्फ गॉट्स ही नहीं है जो मानक स्थापित करता है, बल्कि नियमित निरीक्षण भी स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रमाणकर्ता द्वारा पूरी टेक्सटाइल सप्लाई चेन के लिए किया जाता है। प्रसंस्करण, विनिर्माण और थोक बिक्री के प्रत्येक चरण को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए। फलस्वरूप गॉड्स के प्रति पीटर और मे आश्वस्त हो जाते हैं कि उनके कपड़े प्रकृति के अनुकूल और अच्छी कार्य परिस्थितियों में तैयार किए जाते हैं। एक सार्वजनिक डेटाबेस सभी प्रमाणित ऑपरेटरों को सूचीबद्ध करता है। स्वयं के दावों पर भरोसा ना करें, हमेशा गॉट्स लोगो और लाइसेंस नंबर दोनों के लिए देखें। ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड एक स्वतंत्र अनुमोदन की मुहर है, जिसे व्यापक रूप से प्रमुख विक्रय बाजारों में समस्त दुनिया में पहचान प्राप्त है। अमेरिका में वस्त्रों पर जैविक होने का दावा सरकार के तहत संरक्षित है। गॉट्स लोगो से प्रमाणित टेक्सटाइल को जैविक होने का दावा किया जा सकता है। बाकी दुनिया में अगर कोई उत्पाद ऑर्गेनिक होने का दावा करता है तो हो सकता है कि खेत से केवल फाइबर ही जैविक हो। यदि आप ये सब चाहते हैं, जिसका अर्थ है पारिस्थितिकी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रक्रिया, पूरे आपूर्ति श्रृंखला के दौरान उत्पाद पर गॉड्स लोगो देखें। पीटर और मे खुश हैं। वे अब दुकान से ऐसे कपड़े खरीदते हैं जो गॉड्स प्रमाणित होते हैं। वे जानकर आश्वस्त हैं कि वे न केवल सुरक्षित हैं उन खतरनाक रसायनों से, बल्कि उत्पादों को सख्त पर्यावरणीय और सामाजिक परिस्थितियों में ऑर्गेनिक पदार्थों से बनाया जाता है। साथ ही वे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे कपड़े चुनें जो ऑर्गेनिक प्रमाणित हों। हमेशा ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड लोगों के लिए देखें। प्रमाणकर्ता का संदर्भ और आपूर्तिकर्ता का लाइसेंस नंबर।
नमस्ते। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो सेशन था, जो इंस्ट्रक्टर हमारे सेशन लिए हैं, आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। अब सेशन के उपरांत फीडबैक फॉर्म भी है इसके साथ, तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है या नहीं वो आपको लिखना है, उसके ऊपर 2-3 शब्द भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा हो तो क्या था, अगर कहीं ये अपॉर्चुनिटी था हमारे पास या इंस्ट्रक्टर के पास कि और बढ़िया हो सकता था, तो ये भी आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। सो मैं उम्मीद रखता हूँ अभी कि आप लोग ये असाइनमेंट 3-4 मिनट का ही है, आप लोग कंप्लीट कर लोगे और आगे जाके फिर दूसरा जो सेशन होगा वहाँ पे फिर हम लोग भेंट करते हैं। धन्यवाद।